और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर आप जाके अभी पढ़ सकते हैं लाइव, और यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स इंडिया के जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MAMC से पढ़े हुए लोग और काफ़ी ज़्यादा एम्स दिल्ली से पढ़े हुए बच्चे भी आपको पढ़ा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जाके आप जो है लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको पढ़ाई करना है वहाँ पर, तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे ABSIR तो आपको वहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अन अकेडमी पर आपको क्यों पढ़ना चाहिए, लाइव क्लासेस मिलती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज की न्यूज़। हेलो दोस्तों, अगर आप भी ICAR UG की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले कि एक प्रोबेबल जो डेट है, एक जो हमको लगता है कि जो डेट एक्चुअल में अनाउंस होने वाली है ICAR के लिए, वो क्या डेट होगी। और मैं आपको बता दूं कि ICAR की जो एग्ज़ाम है वो होने वाली थी 1 जून को, पर वो पोस्टपोन हो चुकी है, और वो 15 जून तक उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो है डेट दी गई है हमें कि 15 जून तक आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ICAR एग्ज़ाम है वो जनरली होती है JEE और NEET एग्ज़ाम होने के बाद। आपको पता हुआ कि जो एस्पायरेंट्स है उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले दोनों ही जो है ICAR एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो दोनों ही जो लोग हैं इनको जो ICAR एग्ज़ाम देते हैं उसके थ्रू इनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, 5 से 6 हज़ार रुपये मिलता है अगर ये लोग जो है BSc एग्रीकल्चर करते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं BSc एग्रीकल्चर में तो आपको 5 हज़ार रुपये मिलता है, किसी भी तरह से स्कॉलरशिप आपको मिलती है ICAR के थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हैं। तो काफ़ी बढ़िया एग्ज़ाम है, पर ये जो एग्ज़ाम है अभी पोस्टपोन हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस की कंडीशन के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊँ कि JEE और NEET के बाद ही एग्ज़ाम होती है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि JEE और NEET भी अभी पोस्टपोन होने का चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोर्सेज है, आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपको एग्ज़ाम जो है कब तक देनी है, तो अगस्त तक जो है मंथ तक शिफ्ट होने का चल रहा है, क्योंकि अगस्त मंथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि JEE और NEET जो है अभी जुलाई में उनकी डेट दी गई है, पर हो सकता है कि अभी पोस्टपोन हो जाए। तो अगर कितना पोस्टपोन होता है फिर JEE NEET पर डिपेंड करेगा सब कुछ, कि कितना ज़्यादा जो है ICAR एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है। तो सब कुछ अभी डिपेंड करता है HRD मिनिस्टर पे हमारे। और अगर आपको चाहिए कि ICAR की एग्ज़ाम जो है जल्दी से जल्दी बताया जाए, तो आप जाके ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, हमारे HRD मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे आप जाके ट्वीट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप दोनों ही दे के बैठ सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम्स इसमें जो कोर्सेस है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, एग्रीकल्चर में BSc ऑनर्स और BFSC और फॉरेस्ट्री के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो ये सर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए, आपके हिसाब से आपकी जो चॉइस का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप की बात मैं कर रहा हूँ, 5 हज़ार से 6 हज़ार रुपये जो मिलती है स्कॉलरशिप, वो भी आपको जब ही मिलती है जब आप अपने स्टेट से बाहर अगर आप जाके BSc एग्रीकल्चर करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए ICAR से रिलेटेड तो आपको इस चैनल पे मिलेगा, मैं रेगुलरली अपडेट करूँगा अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है ICAR से रिलेटेड। तो थैंक यू ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जाके चेकआउट करिए अन अकेडमी पे, मेरा कोर्स चल रहा है अभी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स सब मैंने पढ़ाया वहाँ पर, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ABSIR। थैंक यू वेरी मच।